प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दतिया जिले को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। वर्चुअल माध्यम से अमृत स्टेशनों का शिलान्यास कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से 554 अमृत भारत रेलवे स्टेशन एवं लगभग 1500 अंडर ब्रिज एवं ओवर ब्रिज के शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम का दतिया रेलवे स्टेशनों पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में विकसित भारत संकल्प को गति देने हेतु 41,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं देश को समर्पित की। आपको बता दें, कलेक्टर संदीप मांकी ने कहा, यह स्टेशन देश में पीताम्बरा नगरी के नाम से विख्यात दतिया रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन का नवीनीकरण होना ऐतिहासिक और हमारे लिए एक गौरव की बात है। अमृत योजना के अंतर्गत दतिया रेलवे स्टेशन का चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि दतिया रेलवे स्टेशन राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी के साथ कार्यक्रम के अंत में रेलवे स्टेशन प्रबंधक आरसी दांगी ने स्वराज एक्सप्रेस से बात करते हुए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। शिव रमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन है 554 रेलवे स्टेशनों में 33 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के हैं और उन रेलवे स्टेशनों में एक दतिया रेलवे स्टेशन भी शामिल है। आज देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इतने बड़ा कार्यक्रम जिसमें 20 लाख से अधिक शायद लोग बैठे थे और देश के 2000 से अधिक स्थानों पे एक साथ इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन और सबने उनको आपने भी सुना मैंने भी सुना, एक ऊर्जावान नेतृत्व के तहत हम लोग कृत संकल्पित हैं कि उनके जो सपनों का भारत है उसको हम लोग क्रियान्वित कर सकें। पर्यटन को और यात्रियों को भी इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। दतिया वैसे भी हम लोग ने इस वर्ष का हम लोग ने जो कैलेंडर भी विकसित किया है कि दतिया के चार धाम देखे क्या, तो वो हम लोग ने इसी उद्देश्य से विकसित किया है कि भविष्य में दतिया एक रिलीजियस टूरिज्म और जनरल टूरिज्म दोनों का एक बड़ा स्पॉट बनेगा। एयरपोर्ट का विकास हो रहा है, आपके ध्यान में है, और रेलवे स्टेशन का विकास, नेशनल हाईवे पे पूर्व से ही हम स्थित हैं, ये सारे कारण हमारे पर्याप्त हैं जिससे कि एक क्षेत्र के टूरिज्म को विकसित किया जा सके। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें एक बार इन्वेस्टमेंट है और फिर लाइफ टाइम जो है उससे पब्लिक को किसी भी सीधे या परोक्ष रूप से फ़ायदा पहुंचता है। बहुत से राज्य आप जानते होंगे, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जिनका प्रमुख कार्य वहाँ पर टूरिज़्म का है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हम टाइगर स्टेट हैं और टूरिज़्म और रिलीजियस टूरिज़्म यहाँ तीनों का बहुत स्कोप है और आगे हम चाहते हैं कि रिलीजियस टूरिज़्म और जनरल टूरिज़्म दोनों में दतिया का नाम पूरे देश में रोशन हो। यही मुख्य। थैंक यू।